दिल्ली एनसीआर के बाद ताजनगरी आगरा में भी पॉल्यूशन बढ़ता नजर आ रहा है। ताजनगरी आगरा में सुबह से ही धुंध छाई रहती है, तो वहीं जो पर्यटक आते हैं वो ताजमहल दीदार करते हैं, तो वहां ताजमहल की जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं गायब दिखाई देती है। हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ताजमहल का वो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे तो ताजमहल की जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। तो कहीं जो पर्यटक हैं वो लगातार पिछले वाले हिस्से आते हैं और ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मायूसी यहाँ झेलनी पड़ती है। ताजनगरी आगरा की बात करें तो 6 सेंटर पॉइंट यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बनाए गए हैं। उनको अगर बात करें उनके क्या स्थिति उन 6 सेंटरों की है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर अभी सभी जो जोन है वो मॉडरेट जोन में है, और लगातार जिस तरीके से प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया है कि प्रदूषण के बाद जिस तरीके से ताजनगरी आगरा में जो लोग परेशान हो रहे थे उनको राहत देने के लिए प्रशासन लगातार पानी का छिड़काव करवा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन के जो काम चल रहा था उसको लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश यहाँ जारी किए हैं। तो कह सकते हैं ताजनगरी आगरा में अब कहीं ना कहीं प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा था, लोग बेहाल हो रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी, तो उसको नजर देखते हुए तो ताजनगरी आगरा में भी प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल में जो ताजनगरी का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं अब स्थिर होता दिखाई दे रहा है। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़।